नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में पीएसए इंस्पेक्टर एसके सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के साले देवेंद्र कुमार वर्मा और पत्नी भावना सिंह को गिरफ्तार किया है। भाई बहन ने मिलकर इंस्पेक्टर की हत्या को अंजाम दिया था और हत्या की वजह अवैध संबंध बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक सतीश सिंह की कई महिलाओं से अवैध संबंध थे, इसे लेकर पत्नी भावना सिंह से उनका लगातार झगड़ा भी होता रहता था। बहन को परेशान देख भाई देवेंद्र वर्मा ने इंस्पेक्टर की हत्या का प्लान बनाया। वही घटना वाली रात इंस्पेक्टर की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए पहले से आरोपी ने इंस्पेक्टर की क्रेटा कार में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था और अपने ही मोबाइल से कनेक्ट कर दिया था। वही इंस्पेक्टर को परिवार के लोगों से अलग लाने का प्लान भावना सिंह ने बनाया था। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए साइकिल खरीदी और हुडी टी शर्ट पहनकर घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गया, जिसके बाद रास्ते में साइकिल और कपड़े फेंक दिए गए थे और सर्विलांस से बचने के लिए आरोपी ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था और घर पर मौजूद भांजे ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर भी करवा दिया था ताकि लोकेशन घटना स्थल पर ना मिले। इंस्पेक्टर की हत्या के खुलासे में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी और 10 किलोमीटर के दायरे में 400 सीसीटीवी खंगाले, तब आरोपी ट्रैक हुआ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दिवाली की देर रात यानी 12/13 नवंबर की देर रात करीब 2:15 बजे थाना कृष्णा नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र कृष्णा नगर स्थित मानस नगर में एक घर के गेट के जस्ट बाहर सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को किसी अज्ञात ने गोली मार दी है और वो घायल हो गए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। यह भी जानकारी हुई कि जो ये व्यक्ति थे सतीश कुमार, ये पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे प्रयागराज की 4th बटालियन में। इस घटना के संबंध में जो मृतक थे उनके भाई अजीत कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कृष्णा नगर पर एक अज्ञात हमलावर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें जोन दक्षिणी की क्राइम टीम और हमारे सीपी महोदय की भी क्राइम टीम इसमें इन्वॉल्व हुई और इन सभी टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत कुल 6 दिनों तक इसमें लगातार टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस प्रकार इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर बहराइच से है, जहां मामा के घर से अपने घर लौट रही युवती के साथ हुई दरिंदगी के 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं एक दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही मंत्री ने एसपी को तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की भी बात कही है। उसके परिवार को मैं खुद लड़के से मिल गया और लड़के से पूछा हूँ और उसने निश्चित रूप से उसने बताया और उसने बताया कि जो मैंने बताया वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको अभी एसपी महोदय ही हैं और अभी सख्त निर्देशन है कि वो 3 दिन के अंदर जितने भी खुलासे हैं उसे और उनके परिवार जन से मिला हूँ, उन्होंने कहा नहीं पुलिस हमारा साथ दे रही है और न्याय पूरा पूरा उम्मीद है, हमें न्याय मिल रहा है और घटनाएं आगे ऐसी नई घटनाएं उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, तत्पर करेंगे। प्रदेश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गए हैं, साथ ही दुराचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। उसी के चलते मंडल आगरा रेंज एडीजी के निर्देश में फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने जनपद फिरोजाबाद के सभी थानों को निर्देश दिए हैं। आधिकारिक निर्देशों के चलते थाना फरीहा के थाना इंचार्ज बैजनाथ सिंह ने थाना फरीहा के तमाम स्कूलों में ऑपरेशन जागृति के तहत विशेषताओं के बारे में छात्राओं को अवगत कराया, साथ ही टोल फ्री नंबर्स के बारे में विशेष जानकारी दी गई। सभी समाज कटका थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध सूफी संत हजरत गंज सैयद मीरा
मसूद हमदानी की भियाव स्थित दरगाह प्रबंध कमेटी की वार्षिक बैठक हुई है। बैठक में वर्तमान कमेटी ने वार्षिक लेखा जोखा पेश किया। वही मोहम्मद राशिद सिद्दीकी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सर्वसम्मत से एक बार दोबारा पुरानी कमेटी को बहाल रखा गया है, जिसमें मोहम्मद कलीम सिद्दीकी को अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी नियाज तौहीद के साथ ही पुरानी कमेटी के अन्य पदाधिकारियों को आम सहमति से एक बार फिर अगले एक साल तक दरगाह के इंतजाम और विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। मीटिंग में गांव वालों ने अक्सरियत ने यह पसंद किया कि भाई जो पुरानी कमेटी है वही काम करती रहे, उस किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया और जिसने एतराज़ किया उसको उसका जवाब दिया गया मुतालिकीन के जरिए। तो क्या वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा भी कमेटी ने दिया है? हाँ, आय व्यय का ब्यौरा दिया, लोगों ने उसे सुना और तारीफ की, तालियों से तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी तारीफ की। आस्था का प्रतीक कहे जाने वाला पूर्वांचल का पर्व छठ बड़े ही धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। वहीं व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ घाटों पर मनाए गए छठ मैया की वेदी के पास संध्या अर्घ देने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि छठ माता की वेदी पर गन्ने लगाकर पूजा स्थल बनाया गया है, जहां रात भर महिलाएं जाकर छठ माता की आराधना करेंगी और कल उगते सूरज को अर्घ देने के बाद व्रत रहने वाली महिलाओं का व्रत सम्पन्न होगा। अगली खबर देवरिया से है, जहां छठ महापर्व पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर शाम को परंपरागत ढंग से खरना किया है। लाखों की संख्या में घाटों पर पहुंची महिलाओं ने छठ मैया की पूजा अर्चना के साथ डूबते सूरज को अर्घ दिया है। वहीं शहर के हनुमान मंदिर पोखरे पर महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया। इस समय हम हनुमान मंदिर के प्रांगण, जो कह सकते हैं पोखरे प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ पर छठ मैया की पूजा अर्चना की जा रही है। हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंचकर वेदियों पर छठ मैया की पूजा करने में लगी हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खासियत यह जो घाट है, यहाँ आकर्षण का केंद्र माना जाता है। यहाँ महिलाएं जो भी आती है, जो भी अपने संतान के लिए मन्नतें मानती है वो पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि यह छठ पर्व संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, जिसकी विशेषता आप कई व्याख्यानों में देख सकते हैं। हर जगह सुनाई देता है कि यह व्रत काफी आकर्षक का केंद्र होता है, काफी बढ़िया सुचारू रूप से यह व्रत महिलाएं निर्जल व्रत रहकर करती हैं। और यहाँ पर हमारे साथ शिव मिश्रा हैं, जो काफी विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जानते हैं कि छठ की क्या आस्था रहती है। जी, सबसे पहले तो रवि जी, आपको लोक आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और पूरे भारतवासियों को, पूरे देश के लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लोक आस्था का एक एकलौता एक महापर्व है, जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। इसको कहता है रवि भाई, मेरा उपनिषद कहता है उदेति सविता ताम्र ताम्र एवस्ती मेव च, उगते हुए सूरज को भी हम तांबे के जैसा मांगते हैं और डूबते हुए सूरज को भी तांबे का रंग का मांगते हैं। उदेति सविता ताम्र ताम्र एवस्ती मेव च, संपत्तो च विपत्तो च मेहता मेघ रूपता। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो डूबते हुए, मतलब आपके पास विपरीत परिस्थितियां हो तो भी आप सामान्य रहें और अच्छी परिस्थिति हो तो भी आप सामान्य रहें। इसलिए कहीं ना कहीं हमको यही सीख देता है हमारा उपनिषद कि हम उगते हुए सूर्य को जिस तरह से अर्घ देते हैं या उनकी उपासना करते हैं, वैसे डूबते हुए सूर्य का। और मैं एक और बात बताऊं आपको कि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये सिद्धपीठ मनोकामनापुर हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 1000, मैं इस बात को यहाँ से खारिज कर रहा हूँ, ये 10,000 का आंकड़ा यहाँ पे साबित हो रहा है। और देवरिया में अभी मैं न्यू कॉलोनी से आ रहा हूँ, न्यू कॉलोनी के परमाती पोखरे से भी ज्यादा आंकड़ा यहाँ का है। ये जो पर्व है इस समय पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, अमेरिका जैसे देश में भी मनाया जा रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये बिहार से निकलता है, बिहार एक राज्य है यूपी का 28 राज्यों में से, और बिहार से ये निकलता है, बिहार प्रांत से, और धीरे धीरे करके ये वैश्विक होता है। और मेरी कल बात जैसा बता रहे थे, वाशिंगटन में भी देखने को मिल रहा है कि वहां पे भी लोग अपना व्यवस्था बना करके, अपने घाट बना करके पूजा कर रहे हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं। ऐसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, हिंदू हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग विदेशों में भी अपने संस्कार, सभ्यता और अपने पर्व को वहां मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। यह जो छठ का पर्व है, यह बिहार प्रांत से होते आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाने चाहूंगा,
यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं श्रद्धा के प्रति लीन हैं। यहाँ वेदियां जो सजाई गई हैं वहाँ पूजा अर्चना करने में लगी है। और यहाँ सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहा है। चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैदी से ड्यूटी करने में लगा। तो बता दूं कि अलावा विभाग की टीमें भी यहाँ लगाई गई हैं, जो गोपनीय विभाग होती है उनकी भी टीमें यहाँ निगरानी करने में लगी हुई है। यहाँ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन यहाँ अलर्ट है। यही वो दृश्य है, यही वो तस्वीर है जहाँ छठ मैया की पूजा की जा रही है, जो हनुमान मंदिर का मेन मार्केट मेन पोखरा कहा जाता है। और यही भीड़ कह सकते हैं शहर के परमाती पोखरे में है, जैसा भाई सब ने बताया वहाँ भी हजारों की तादाद में भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि यहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और सुबह मॉर्निंग के समय 3 बजे करीब में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मैं प्राइम टीवी से रवि रावत देवरिया। तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी छठ महापर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां गायत्रीपुरम दुर्गा पूजा संगठन द्वारा गायत्रीपुरम सरोवर वाटिका में भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सम्मानित नागरिक और मातृशक्ति और बहनों ने छठ पूजा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।